हेलो गाइस, तो फिर आज हम खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और न्यू सर्वाइवल सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फिर गाइस, हम लोग आ चुके हैं अपने वर्ल्ड में और ये यार इसी को दे देता हूँ, इसलिए हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। और हम स्टार्ट करते हैं अपना काम, जो काम हमें सबसे पहले करना होता है। मेरा कहने का मतलब है कि हमें जरूरत होती है बहुत सारी वुड की, तो हम सबसे पहले वुड ही तोड़ लेते हैं यार। तो फिर गाइस, मेरे पास आ चुके हैं 11 वुड्स और हम सबसे पहले यहाँ आसपास ये देखते हैं कि क्या पता हमें कोई विलेज मिल जाए, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में हमें कोई विलेज मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ये क्या चीज़ें, चलो इन्हें भी उठा लेते हैं। ऐसे इनके इस्तेमाल क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता। ऐसे हम इनके लालटेन बना सकते हैं, जो भी वो होता है, तो इनको ले लेते हैं और देखते हैं आसपास और क्या क्या होगा। तो फिर गाइस, अगर आप देख पा रहे हो तो सामने एक विलेज है यार। तो स्टार्टिंग में हमें मिल चुका है एक विलेज, दो जो कि एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग है। तो हम सीधा चलते हैं उस विलेज में। तो फिर गाइस, हम लोग आ चुके हैं विलेज के अंदर और सामने में एक विलेजर को भी देख पा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और हेलो विलेजर, कैसे हो यार तुम? देखते हैं इसके पास क्या क्या सामान होगा सबसे पहले। अरे आगे चलो यार। तो हेलो विलेजर, आपके पास क्या क्या है सामान? तो फिर ये हमें दे रहेगा 15 बीट रूट के बदले में एक एमराल्ड। और यहाँ पे बहुत सारे बीट रूट भी हैं, तो फटाफट से तोड़ के इसी को दे देते हैं, इसी का माल इसी को भेज देते हैं। तो फिर गाइस, मुझे अभी भी 5 और बीट रूट की ज़रूरत है, तो अभी तो नहीं करता हूँ मैं इससे ट्रेडिंग, बाद में आएंगे यार आराम से ट्रेडिंग करते रहेंगे अपने ही विलेज है अब तो ये। और इस विलेज में गाइस हम आसपास भी देखते हैं क्या क्या होगा। एक आयरन गोलम है, इसको भी बाद में मारेंगे। और देखते हैं यहाँ पे आ कुछ है क्या, अगर होता है कुछ तो बहुत है। अब ये हाउस कैसा, ये कैसा अजीब सा विलेज है यार। और इसके और बंदे का है, मुझे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अंदर भी नहीं है कुछ। इस विलेज के बाकी विलेजर कहाँ पर है, देखता हूँ यार मैं ज़रा कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। तो फिर गाइस, मैंने ये सारा विलेज देख मारा, लेकिन यहाँ पे ये इकलौता विलेजर यार, एक और था वो मैंने देखा था, लेकिन वो बेकार वाला था विलेजर। और यहाँ पे सिर्फ एक ही विलेजर है और इन हाउस के अंदर भी नहीं है, कोई एक अच्छी चीज़ नहीं मिली मुझे। तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही विलेजर है और पता नहीं बाकी विलेजर कहाँ से आएंगे। लेकिन जो भी हो, कोई नहीं, अभी स्टार्टिंग के लिए हम इसी विलेजर के साथ काम चलाता हूँ। ये इसको दे देता हूँ बीट रूट, मैंने वहाँ से उठाए थे थोड़े। तो एक एमराल्ड आ चुका है गाइस हमारे पास और आसपास हम और देखते हैं क्या होगा। तो अभी तो मैं यहाँ पे अपना हाउस नहीं बनाऊंगा, हाउस हम अगले एपिसोड में बनाएंगे। अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको मारते हैं, आयरन गोलम को मारते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ा सा आयरन हो। ठीक है, तो फिर इसको मारते हैं पहले। तो फिर गाइस, इससे मिला है हमें पूरे 5 आयरन मिले हैं, जिससे कि हम एक आयरन पिकैक्स बना पाएंगे। और हमें क्या ही चीज़ की जरूरत है। स्टार्टिंग में हमारे पास आयरन मिल चुका है, एक अच्छा सा विलेज मिल चुका है गाइस, एक एमराल्ड भी हमारे पास, तो इससे अच्छी स्टार्टिंग हो ही नहीं सकती। इसी बात पे वीडियो पे लाइक कर देना यार, क्योंकि अगली वीडियो बनाने का अंदर से मोटिवेशन आता है जब वीडियो पे लाइक आते हैं। तो फिर अभी अंधेरा होने वाला है, तो फटाफट से हम इस हाउस के अंदर चलते हैं। ये हाउस हम अपना ही बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई और है ही नहीं। ठीक है, तो अंधेरे में मैं क्या सोच रहा हूँ कि बाहर जाने से अच्छा ना हम आज रात करने वाले हैं माइनिंग। तो यार जल्दी से एक क्राफ्टिंग टेबल पिकैक्स सब बनाता हूँ और सीधे चलते हैं गाइस हम माइनिंग करने। तो फिर गाइस, मैं यहाँ से करने वाला हूँ सीधा स्टेट माइनिंग करने वाला हूँ। हाँ आई नो यार, स्टेट माइनिंग अच्छी नहीं होती, बट स्टार्टिंग के लिए ओपी चीज़ है स्टेट माइनिंग। तो यार हम सीधा चलते हैं स्टेट माइनिंग करने। और गाइस, मुझे स्टार्टिंग में यहाँ पे मिल चुका है बहुत सारा कोल, तो यार इसे भी ले लेते हैं और फटाफट से अपनी टॉर्चेस बना लेते हैं, क्योंकि उसकी भी बहुत ज़रूरत होने वाली है। और गाइस, ऊपर से आते हुए मुझे मिला है गाइस थोड़ा सा आयन। और अभी हम आने वाले हैं अपने कोऑर्डिनेट पे, आ चुके हैं गाइस हम कोऑर्डिनेट पे, और यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट माइनिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। क्या पता कि हमें अपने पहले एपिसोड में ही मिल जाए डायमंड्स। तो गाइस, इस माइनिंग को मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा, ठीक है। तो फिर गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो। और गाइस, आखिरकार मिल चुका है डायमंड, लेकिन यार मैं पिकैक्स भी एकदम ख़त्म होने वाली है, देख ही पा रहे हो आप। एक टॉर्च लगा देता हूँ और ये देखते हैं, अभी तक मिले हैं 2, ये 3, देखते हैं कितने मिल पाएंगे, 4 गाइस अभी भी है हमारे पिकैक्स हमारे साथ दे दिया है। और ये आखिरी डायमंड है सच से,
ओरिया में 5 मिले हैं गाइस, ऐसे देखूं कितने मिले हैं मुझे। हाँ अरे 5 नहीं, एक एक्स्ट्रा दे देना ना, वेरी गुड यार। और मुझे थोड़ा सा आयरन भी मिला है गाइस यहाँ पे, और हमारी पिकेक्स बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, बट फिर भी हमें मिला है गाइस थोड़ा सा डायमंड मिल चुके हैं यार पहले एपिसोड में, कितनी ओपी बात है यार। तो हम सीधा ऊपर चलता हूँ यार मैं, और अगले एपिसोड में दोबारा चाहूँगा। तो फिर मैं ऊपर भी आ चुका हूँ, उजाला भी हो चुका है, सामने देख पा रहे हो कौन आया है, तो इसको मारता हूँ यार सबसे पहले। तो देख रहे हो आज की यार ये एपिसोड बहुत ही ओपी रहा, क्योंकि यार मैं अभी तक पहले एपिसोड में यार इतने इतने आगे नहीं पहुंचा था मैं। आई थिंक गाइस ये वाली सर्वाइव सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली है, हम हमारी जो पहली की सीरीज थी उनसे भी अच्छी जाने वाली है। देख रहे हो इसे भी मार दिया मैंने, इससे अच्छा क्या ही हो सकता है। ठीक है तो फिर गाइस ये थी आज की वीडियो यार, आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगला एपिसोड आएगा अगर इस वीडियो पे आएंगे पूरे के पूरे 15 लाइक्स आ जाते हैं, तो अगला एपिसोड आ जाएगा गाइस बहुत ही जल्द। अगर 15 लाइक नहीं आते हैं उस वक्त भी आ ही जाएगी वीडियो। तो फिर इसी बात पे यार आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। ठीक है तो फिर बाय बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।